हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास सिक्स में जीके में चैप्टर नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। सो जो हमारा 7 चैप्टर है उसका नेम है डायनासोर्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स वर यूज लिविंग बींग्स दैट वर्क ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो जो डायनासोर्स थे वो बहुत बड़े लिविंग बींग्स थे, और जो कहाँ पर रहते थे? हमारी अर्थ पर बहुत साल पहले। सो हमारी जो बुक एक्सरसाइज है उसमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायनासोर्स एंड राइट देयर नेम्स। तो हमें डायनासोर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स को लिखना है, ठीक है? सो जो हमारा पहला डायनासोर है वो है, दिस डायनासोर वॉज रफली द साइज ऑफ अ स्मॉल टर्की एंड स्मॉलर देन अदर्स इन द फैमिली ऑफ डायनासोर। तो जो ये डायनासोर था ये क्या था? साइज किसके जैसा? इसका एक स्मॉल टर्की जैसा। टर्की क्या? एक बर्ड होता है, उसके जैसा। एंड स्मॉलर देन अदर्स इन द फैमिली ऑफ डायनासोर्स, और जो डायनासोर्स की फैमिली होती है उसमें सबसे छोटा। डिस्पाइट हैविंग फीडर्स इट्स आर्म्स वर टू शॉर्ट टू अलाउ फ्लाइट और ग्लाइडिंग एबिलिटीज। सो जो इसकी आर्म्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, और जो क्या करती हैं उड़ने में और ग्लाइडिंग एबिलिटीज़ करने के साथ, अगर हम देखें तो जो इसकी आर्म्स हैं वो छोटी होती हैं। तो क्या नेम है इस डायनासोर का? अभी दूसरा वाला देखिए, ऑल्सो नोन एज टेरासोर्स इट वॉज अ फ्लाइंग रेप्टाइल विच लिव ड्यूरिंग द लेट जुरासिक पीरियड। इट इज द मोस्ट वेल नोन फ्लाइंग डायनासोर्स विद विंग्स कंसिस्टिंग ऑफ मैमरेज विदाउट एनी फीडर्स। ये क्या है? इसको कौन से नाम से जाना जाता है? टेरासोर्स। और ये क्या है? एक फ्लाइंग रेप्टाइल है, ठीक है? इसके साथ साथ ये वेल नोन फ्लाइंग डायनासोर भी है, जिसके क्या है? विंग्स हैं, और उनके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन्स विदाउट एनी फीडर्स। तो क्या नेम है इस डायनासोर्स का? देखिए, टेरोडैक्टाइल्स। तो नेम हम इसका इधर लिखते हैं, ठीक है? अभी हम थर्ड वाला देखते हैं। दिस डायनासोर इज द मोस्ट फेमस डायनासोर। इट वॉज ए हर्बीवोर। जो हर्बीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट खाते हैं। एंड हैड फीचर्ड रोज ऑफ यूनिक बोन्स दैट डेवलप इनटू प्लेट्स एंड स्पाइंस अलोंग इट्स बैक एंड टेल। तो ये एक बहुत मोस्ट फेमस, एक बहुत प्रसिद्ध डायनासोर है, और इसके साथ साथ ये एक हर्बीवोर है, ठीक है? तो इसका क्या नेम है? स्टेगोसोरस, ठीक है? चलिए लिखते हैं। आप पढ़ते हैं हम अपना जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे वाला। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायनासोर्स नोन टू साइंटिस्ट टिल डेट। ये सबसे बड़ा डायनासोर है अब तक जो साइंटिस्ट मानते आए हैं। द नेम ऑफ दिस डायनासोर में स्पाइन लिजर्ड। इट मे हैव बीन द लार्जेस्ट कार्निवर्स। कार्निवर्स मतलब ये सबसे बड़ा मांस खाने वाला डायनासोर है, और इसका जो नेम है वो है स्पिनोसॉरस। सो जो स्पेलिंग है वो इसकी SPINOSAURUS, ठीक है? अभी हम 5 नंबर वाला देखते हैं। दिस डायनासोर इज बिलीव टू बी वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव एंड फियरसम डायनासोर्स टू वॉक द प्लेनेट। ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा फियरसम डायनासोर है जो अभी तक प्लेनेट पे हुआ है। इट हैज 60 रेजर शार्प टीथ। इसके 60 शार्प टीथ हैंड यूज इट्स टेल टू मेंटेन बैलेंस। और ये जो इसकी टेल होती है वो किस में यूज होती है? बैलेंस बनाने में। नाम क्या है इसका? टायरानोसोरस, ठीक है? स्पेलिंग देखिए, TYRANOSAURUS।
double N O S A U R U S, ठीक है। ये तो हमारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर 7। ये देखिए यहाँ पे क्लू बॉक्स में दिखा रखा है, अगर आपको इजीली यहाँ से देखना है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गिवन बिलो आर दी वर्क ऑफ सम फेमस ऑथर्स, आइडेंटिफाई दी ऑथर्स एंड टिक दी करेक्ट ऑप्शन। सो जो जंगल बुक है वो किसे लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन ये किसे लिखी है, मार्क ट्वेन ने। इसके साथ अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। द लैम्प इज लिट लिखी है रस्किन बॉन्ड। एंड लाइफ ऑफ पी इज येन मार्टल, ठीक है। तो आप इजीली समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट पोएट्स एंड ऑथर्स। आइडेंटिफाई करना है और नेम्स लिखने हैं फॉलोइंग ग्रेट पोएट्स एंड ऑथर्स का। तो जो सबसे पहले हैं हमारे वो हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है लियो टॉल्स्टॉय। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है एमिली डिकिंसन, ये इनका नेम इधर है। नेक्स्ट है एंटन चेखव। और ये है जेके रावलिंग, ये है ये जेके रावलिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपना चैप्टर 7 और 8 को किया है। आप अपनी बुक एक्सरसाइज को इजीली यहाँ से फिल कर सकते हैं।